हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम में कैसे आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मेरा पेटीएम का अकाउंट है और ये विदाउट केवाईसी है, फुल केवाईसी नहीं है, मिनी केवाईसी नहीं, विदाउट केवाईसी है। अभी मैं इसमें आपको मेरा एक यूपीआई आईडी क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे यूपीआई आईडी क्रिएट होगा, तो पूरा कंप्लीट बात करेंगे। देखिए, पेटीएम का काफ़ी सारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर आपको पेटीएम बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का अगर प्ले लिस्ट लिंक है उस लिंक को ओपन कर पेटीएम बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, ये पेटीएम का अकाउंट है और ये मेरा विदाउट केवाईसी अकाउंट है। देखिए, विदाउट केवाईसी और मिनी केवाईसी अकाउंट में यूपीआई आईडी क्रिएट करना प्रोसेस सेम है। अगर आप फुल केवाईसी करते हैं तो फुल केवाईसी में आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक यूपीआई आईडी क्रिएट होता है। मगर मिनी केवाईसी और विदाउट केवाईसी में ऐसा नहीं होता है। मिनी केवाईसी विदाउट केवाईसी में आपको एक यूपीआई आईडी क्रिएट करना पड़ता है। तो यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, तो यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए आपको पहले प्रोफाइल सेक्शन जाना पड़ेगा। जब ये प्रोफाइल सेक्शन जाएंगे तो आपको क्या करना, नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर यूपीआई पेमेंट सेटिंग का आपको एक ऑप्शन नजर आया तो आप यूपीआई पेमेंट सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप यूपीआई पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना है। जब भी आप एक बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तभी जाकर आपका एक यूपीआई आईडी क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता है यूपीआई आईडी क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि आप वो यूपीआई के थ्रू किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, किसी को पेमेंट भेज सकते हैं। तो यानी अगर आपको जो भी पेटीएम है, पेटीएम मिनी केवाईसी और उदयपुर केवाईसी में आपको जब भी आप बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम वो बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। तो चलिए, मैं अपने बैंक अकाउंट चूज़ कर लूँ और मैं वो बैंक अकाउंट को लिंक करता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए, मेरा एक बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है और आपको दिखा दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बैक चलता हूँ तो यहाँ पर एक यूपीआई आईडी क्रिएट भी हो गया होगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। तो आप जब भी लिंक करते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्यूआर कोड भी एनेबल हो चुका है और एक पेटीएम का एक यूपीआई आईडी भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको भी पेटीएम यूपीआई आईडी क्रिएट करना होगा तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो था विदाउट केवाईसी आईडी था। अगर आपको फुल केवाईसी या मिनी आपका मिनी केवाईसी हो तो आपका इस सेम प्रोसेस होगा। अगर आपका फुल केवाईसी अकाउंट है तो फुल केवाईसी अकाउंट में आपका जब भी आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं तभी आप अपना एक ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली आपका यूपीआई आईडी जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट क्रिएट होता है। तो पूरा ये प्रोसेस था कि कैसे पेटीएम में एक यूपीआई आईडी क्रिएट किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।